भागलपुर के लालबाग स्थित टेक्नो पॉइंट और लेट्स इंस्पायर बिहार के सहयोग से गरीब छात्र छात्राओं को निशुल्क आईआईटी की तैयारी कराई जाएगी। इसको लेकर टेक्नो मिशन के निदेशक अंशु सिंह ने बताया कि आईपीएस विकास वैभव की देखरेख में छात्रों को आईआईटी की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टेक्नो पॉइंट इस बार कुल 40 सीटों पर गरीब छात्र छात्राओं का दाखिला ले रहा है। इंजीनियर अंशु सिंह ने बताया कि टेक्नो पॉइंट से आईआईटी करने वाले छात्रों को विकास वैभव भी समय समय पर अपना मार्गदर्शन देंगे। गौरतलब हो कि बिहार सरकार गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। निदेशक अंशु सिंह ने बताया कि वह खुद मैथ्स पढ़ाएंगे, इसके साथ ही विशेषज्ञ शिक्षक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को आईआईटी 2022 के लिए तैयार किया जाएगा। अंशु सिंह ने बताया कि उनका संकल्प है कि 40 में 40 बच्चे सफल हो। एक सवाल के जवाब में अंशु सिंह ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से टेक्नो पॉइंट मेडिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी की शिक्षा छात्रों को दे रहा है, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स आईआईटी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में सफल हुए हैं, जबकि कई स्टूडेंट्स आईएएस और आईपीएस भी बने हैं। साथ ही बताया कि 2 साल पूर्व टेक्नो मिशन में 15 छात्रों को आईआईटी की तैयारी कराई गई थी, जिसमें 12 छात्रों का चयन मेंस के लिए हुआ था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 40 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स उनसे उनके पर्सनल मोबाइल नंबर 9006738704 पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था है सर, टेक्नो पॉइंट भागलपुर आईआईटी और मेडिकल की बच्चों को तैयारी कराती है और इस बार हम 25 साल पूरे कर रहे हैं। इन 25 सालों में हजारों स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल में क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें से सैकड़ों स्टूडेंट निःशुल्क जिनको पढ़ाई कराई गई है। तो अभी कोरोना काल है, हमने निश्चय किया है कि अभी जो आईआईटी 2022 का एग्जाम होने वाला है, इसमें करीब 40 बच्चों को हम निःशुल्क तैयारी कराएंगे। हमारी टीम लगी रहेगी, हमें 25 वर्षों का अनुभव है और लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रणेता आईपीएस विकास वैभव जी, जो खुद आईआईटीएन है, उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है और उम्मीद है कि 40 में 40 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करें।